फ्रेंड्स, पिंक एंड क्रंची में आपका स्वागत है। मैं हूँ रेखा और आज लेकर आई हूँ मैं बहुत ही आसान रेसिपी। आज हम बनाएंगे केक। ये केक हम बिना ओवन के यानी कि हम इसे कुकर में बनाएंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार चेक कर लेते हैं हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता है। लिए है एक कटोरी मैदा, एक कप दूध, ये हमने 8 पारले जी को पीस कर ले लिया है मिक्सी जार में, एक कप चीनी पाउडर, ये भी हमने मिक्सी में पीस लिया है, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये मैंने ये वाला बेकिंग पाउडर लिया है, आपके पास जो हो आप वो ले सकते हैं, और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स आप अपने मनपसंद ले सकते हैं, और ये मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमने एक बाउल ले ली है और हमने स्ट्रेनर ले लिया है, अब इसमें मैदा डालेंगे और जो हमने बेकिंग सोडा लिया था वो भी डाल देते हैं, बेकिंग पाउडर, इन सभी चीजों को अच्छे से छान लेते हैं। इससे क्या होगा, ये हमारा तीनों सामान अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। शुगर, अब हम दूध के साथ इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। हमें चिकना घोल तैयार करना है, घोल में लम्स नहीं होने चाहिए। ये जो हमने बार्ले जी बिस्किट को पीस के लिया था इसे भी डाल लेते हैं, और जो कुकिंग ऑयल लिया था उसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब इसको सबको मिला लेते हैं अच्छे से। इस घोल को हमें बहुत पतला भी नहीं रखना है और बहुत गाढ़ा भी नहीं, अच्छे से फेटते हैं इसको हम 10 मिनट के लिए फेटते हैं अच्छे से। थोड़ा सा दूध और डालते हैं, जब तक हम घोल को फेटते हैं हम अपने कुकर को प्री हीट कर लेते हैं। कुकर हमारा हल्का गर्म हो गया है और इसमें हम नमक डालेंगे पिसा हुआ। इससे क्या होगा, जो हमारी हीट होगी वो इसी में बनी रहेगी, बैलेंस रहेगा, इससे हीट अच्छी बनेगी और केक बहुत अच्छा फूलेगा। इस नमक को आप जब दोबारा केक बनाए या कुछ भी बनाए तो आप रीयूज कर सकते हैं ठंडा होने के बाद। तो चलिए 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर, ढक्कन ढककर इसको मीडियम फ्लेम पर हीट होने देते हैं। फ्रेंड्स, बैटर को हमें 5 से 10 मिनट तक अच्छे से फेटना है ताकि हमारा केक बहुत ही फ्लफी बने। इससे बहुत ज्यादा देर फेटने से क्या होता है, केक इतना अच्छा स्पॉन्जी बनेगा कि आप देखते ही रह जाएंगे। तो इस तरीके से हम 5 से 10 मिनट फेट लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा बैटर बहुत अच्छे से चिकना हो गया है। देखिए इसकी थिकनेस, ये इस तरीके से गिरे, देखिए कितना अच्छा घुला है, कितना चिकना लग रहा है। तो हमारा बैटर तैयार हो चुका है, अब इसको एक बर्तन में सेट कर लेते हैं। हमने एक बर्तन ले लिया है जो हमारे कुकर में आराम से आ जाएगा। आपके पास जो भी बर्तन हो जो आपके कुकर में सेट हो जाए आप वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसको ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा, अब इसमें बटर पेपर सेट कर देंगे, अब इसको भी ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेके बटर पेपर को भी ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। हमारा बटर पेपर अच्छे से ग्रीस हो गया है, अब बैटर को ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बैटर कितना स्मूथ गिर रहा है, देखिए कितना अच्छा बना है। आपको भी इस तरीके का चिकना बैटर बनाना है तो पूरा बैटर हम इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। बैटर हमने ट्रांसफर कर लिया है, आप चाहे तो बैटर के अंदर भी डाल सकते हैं। अब थोड़े से इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, आपको जो पसंद हो आप वो डालें। अब इसको हम थोड़ा सा डैब डैब कर देते हैं ताकि इसकी बबल्स निकल जाएं। अब इसे हम कुकर में सेट कर देते हैं। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, इसमें हमने नमक डाला है इसलिए हम इसमें स्टैंड का यूज नहीं करेंगे। अगर आप नमक नहीं डालेंगे तो स्टैंड रख सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फूलेगा। तो इसको हम इसमें अच्छे से सेट कर देते हैं। हमने केक को कुकर में रख दिया है। अब इसे हम 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक होने देते हैं। तो फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है और 30 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। 30 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा केक अच्छे से पका है कि नहीं। वाह, कितना अच्छा फूल है। एक बार चेक कर लेते हैं टूथपिक की मदद से। टूथपिक हमारी एकदम क्लीन आ रही है, तो हमारा केक पक गया है। इसको अब हम कुकर थोड़ा ठंडा हो जाए तब निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, केक हमने कुकर से बाहर निकाल लिया और ये ठंडा हो गया है। अब एक चाकू की मदद से इसकी किनारियां साइड से हटा लेते हैं और अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए हमारा केक बहुत ही स्पॉन्जी बना है, ये बहुत ही अच्छा बना है। तो लॉकडाउन में अगर आपका बच्चे का मन हो केक खाने का तो आप कुकर में बनाएं बहुत ही आसान तरीके से ये इस तरीके से केक। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज रेसिपी को लाइक करें, वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। स्पॉन्जी।